की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और इंटरनेट की क्लास में हम देख रहे हैं नेटवर्क के बारे में, और नेटवर्क क्या होता है, किस टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, ये लास्ट क्लासेस में वी आर डिस्कस अबाउट इट। और आज हमें पढ़ना है नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। किसी बारे में नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, जो नेटवर्क का रोटेशन होता है डाटा का, उनके बारे में बात। क्या आपने देखा होगा, जोर रहा चलिए तो जैसे हम बात करते हैं कि पहले नॉर्मल अगर हम रोड को लेके ही देख ले तो चीजें थोड़ा क्लियर हो जाएंगी हमारी। आपने देखा होगा पहले सिंगल लेंथ आते थे, ज्यादातर रोड होते थे सिंगल लेंथ होते थे। अच्छा, 8 2 लेंथ या 4 लेंथ बनाने का पर्पज क्या रहा, चलो सुनो। मतलब ये रहा कि अगर हम ये डिसाइड कर देंगे एक साइड से गाड़ियां आएंगी और एक साइड से जाएंगी तो, और कहीं ना कहीं हम कोलिजन के चांसेस को कम कर सकते। कोलिजन का एक शब्द जो है बार बार यूज हुआ, कल बताया थे आपको उस दिन। कोलिजन का मतलब क्या होता है, हाँ टकराव होता है। इस शब्द का यूज बार बार होगा। अगर एक ही रूट से बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं एक साथ ही, भले से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो संभावनाएं रहती हैं कि क्या हो जाएगी, आपस में टकरा सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है। कंफर्म करके कोई चीज नहीं बोल सकते यार, लेकिन अगर वही कर दिया जाए एक साइड से आएंगे और जाएंगे तो क्या होगा, चांसेस कम हो जाएंगे या ना के बराबर हो जाएंगे। अगर सबका अलग अलग रूट हो, जैसे मैं बोलूं जाओ उदित नारायण रास्ता तुम्हारा है, तुम अब कैसे भी जाओ, ना वहां से कोई आएगा ना जाएगा, सिर्फ तुम्हारा है, तुम जाओगे आओगे, टकराने की संभावनाएं खत्म हो गई, कोलिजन के चांसेस खत्म हो गए। कुछ वैसे ही बात होती है, क्योंकि डाटा की जो स्पीड होती है स्लो भी हो सकती है फास्ट हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो फिर ऐसे कंडीशन में भी टकराने की संभावनाएं बढ़ जाती है, कोलिजन की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो इस टोपोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं, हद से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल सी में। अगर नेटवर्क से क्वेश्चन उठाया तो पक्का है टोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा। और कितनी टोपोलॉजीज होंगे तो चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। और जो पहली टोपोलॉजी होगी हमारी वो होगी फर्स्ट टोपोलॉजी। और आप जो पावर पॉइंट पे ही बनाया गया है सारी चीजें, तो जो अभी इमेज आपके सामने आएगी उनको बहुत ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। उसमें रेड रेड बॉल की जैसे डाटा है, मूव करेंगी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगी, और आपको बताना है कि यहाँ पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। चलिए लेट अस सी। देख रहे हैं पहुंच गया डाटा, लेकिन ये डाटा जो है वो सिंगल लाइन से पास कर रहा है, मूव कर रहा है, तो सिंगल पास से मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे डाटा एक साथ मूव कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब सबका एक सेपरेट वे होता है वहां चांसेस खत्म हो जाते हैं कोलिजन के, बाकी जगह पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि कोलिजन हो सकता है। सुनिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है इन दिस टोपोलॉजी इस कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए प्राइमरी नेटवर्क केबल इन ए सिंगल लाइन। मतलब इसमें जो कंप्यूटर है वो क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है एक सिंगल नेटवर्क केबल लाइन से। हाँ, फर्स्ट टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कहा जाता है। कह रहा है वन लॉन्ग केबल एक्ट एज बैकबोन, एक इसमें लॉन्ग केबल है जो कि इसका किस तरह का बिहेव करता है एज ए बैकबोन। जैसे आपने मुहावरे नहीं पढ़े हैं कि वो अपने माँ बाप की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का मतलब सहारा। तो वैसी बातें यहाँ पे है कि मतलब जो ये चीज है, अगर हम स्ट्रेट है तो हमारी बैकबोन की वजह से तो सपोर्टिव है एक, तो वैसे यहाँ पे कह रहा है कि इसमें एक केबल होता है जो कि किसके तरफ बिहेव करता है, बैकबोन के, रीढ़ की हड्डी के, टू लिंक ऑल द डिवाइस इन द नेटवर्क। और वो क्या करता है, सारे डिवाइसेस को नेटवर्क से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। एडवांटेज में क्या दिया हुआ है, कर इन एक्सपेंसिव इजी टू इंस्टॉल सिंपल टू अंडरस्टैंड इजी टू एक्सटेंड। इसमें क्या है, आप इजीली इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सीरीज के बारे में, तो आप घर में इन्वर्टर में एक बैटरी भी लगाते हैं, कुछ लोग दो बैटरी लगाते हैं, तो दो बैटरी लगे तीन बैटरी नहीं लग सकता है, चार नहीं लग सकता है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वही बात है। तो इसमें लिखने वाली बात क्या है, सबसे पहले आप नोट करेंगे हेडिंग आपका फर्स्ट टोपोलॉजी, और उसमें कंटेंट लिखेंगे कि इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं एक सिंगल लाइन से, और स्टार बना के ये जरूर लिखेंगे इसे मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कहा जाता है। नोट करिए लीजिए। तो अगर हम बात करें फर्स्ट टोपोलॉजी के, तो इसमें पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि कोलिजन हो सकता है, हम कंफर्म नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। चलिए अगली जो टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी को बहुत ध्यान से देखना है, और जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो बताएगा, जवाब देना है सिर्फ यस नो में, ठीक
एक्सक्यूज नहीं देना है, डिफाइन नहीं करना है डिटेल में नहीं कुछ, सिर्फ अगर मैं पूछूंगा इसमें कोलिजन हो रहा है तो हाँ या ना, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है, बात ही नहीं कि क्यों नहीं हो रहा है ये सब बताने लगे, कुछ नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। उससे मैं पूछूंगा, अगर कोई हाँ ना बोलेगा तो बाद में रीजन पूछूंगा क्यों नहीं हो रहा है या क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, अगर ठीक है ये सब बातें। तो सबसे पहले उससे देखेंगे आप। अगली टोपोलॉजी जो है वो है स्टार टोपोलॉजी, पहले देख लीजिए ध्यान से। और बताइएगा इसमें कोलिजन के चांसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, देख लिए सब लोग। अब सिर्फ हाथ उठाएंगे आप तो जो पूछूंगा, कितने लोग ये कह रहे हैं कि कोलिजन के चांसेस बनेंगे, हाथ उठाइए जो लोग कह रहे हैं बनेंगे। अच्छा नीचे कर लीजिए। अब कितने लोग कह रहे हैं कोलिजन के चांसेस नहीं बनेंगे, वो लोग हाथ उठाइए। कुछ लोग बीच वाले हैं क्या, नहीं हाथ उठा रहे हैं, अभी क्लास से बाहर करूंगा तो वही बात में हाथ उठाना है, हाँ या ना में। चलिए नीचे करिए। हाँ वाले कितने लोग हैं भाई, खड़े हो जाइए, हाँ वाले खड़े हो जाइए, हाँ वाले। अब तो थोड़ा साइड हटे, थोड़ा साइड, तुम खड़े जाओगे, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तुम ना हाँ में हो ना ना में हो, हाथ ही नहीं उठा रहे, रख लिए हैं कहाँ, ना वाले हो तुम तो? और आप लोग हाँ वाले, मतलब तो कोलिजन होगा इसमें। प्रभाकर कहाँ कोलिजन हो रहा है इसमें भाई, क्या हो रहा है, कहाँ होगी हरी हो सकती है क्या, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें कहाँ चांसेस लग रहा है, बहुत पॉसिबिलिटी कहाँ लग रही है, पॉसिबिलिटी इस पोर्शन पे लग रही है, इस पोर्शन पे, मुड़ाव से नहीं मतलब है, यहाँ सिंगल रूट है, सीधी सी बात है, यहाँ ये आपका रूटर है, स्विच भी बोल सकते हैं, ये आपका रूटर है या स्विच भी बोल सकते हैं, और यहाँ से डाटा अलग अलग चला जा रहा है, तो ये सब पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, यहाँ नहीं बन रहे लेकिन यहाँ चांसेस बन रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे टोपोलॉजी या किसी भी चीज की, तो एक व्यक्ति या तो अच्छा ही होगा या तो बुरा ही होगा, दोनों नहीं हम कह सकते हैं, अगर होगा भी तो नहीं कह सकते हैं, एक ही टैग देंगे हम, या अच्छा का या बुरा का। तो वैसी बात यहाँ पे है कि यहाँ चांसेस अगर कहीं भी बन रहे हैं तो हाँ पॉसिबिलिटी है, और नहीं है, नहीं तो यहाँ पॉसिबिलिटी बन रही है लेकिन यहाँ से नहीं बन रही, क्योंकि जब रास्ता अलग अलग दे दिया गया तो संभावनाएं खत्म हो गई, लेकिन अगर थोड़ा सा पॉइंट आ गया कि बन रही है तो हाँ यहाँ बन रही है, इसलिए हम कहेंगे स्टार टोपोलॉजी में कोलिजन के चांसेस बनते हैं, इसलिए आंसर हाँ वाले जो लोग थे वो सही थे। बैठ जाइए आप, ना वाले खड़े हो जाइए, खड़े हो जाए ना वाले, अब बहुत आराम से बैठे हुए थे जो लोग मैं देखा था, जो लोग बैठे हुए थे कौन खड़ा था, आप लोग ना वाले थे, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बात क्या समझ में आया कि पॉसिबिलिटी कहाँ बन रही है, उस पोर्शन में बन रहा है, अगर एक डायग्राम में कहीं भी पॉसिबिलिटी बन गई मतलब कुछ टोपोलॉजी में कोलिजन के चांसेस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। चलिए बैठ जाइए सब लोग, आप लोग भी नोट कर लीजिए स्टार टोपोलॉजी, और ये जो लाइन लिखी हुई है ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। कोई भी पूछेगा पहली टोपोलॉजी बस और दूसरी क्या हो गई स्टार, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें सेंट्रल कंट्रोलर का यूज किया जाता है, तो ये बॉक्स लग रहा है दिख रहा है ना, इसी को क्या बोला जाता है, सेंट्रल कंट्रोलर बोला जाता है, देखिए इसमें दिया होगा ये रहा सेंट्रल कंट्रोलर, देख रहा है ना, तो नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग, ठीक है। कभी कभी लोग पूछ दे रहे हैं इसे पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहेंगे, तो ये स्टार्ट टोपोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट की बात आई है, ठीक है। तो ये टोपोलॉजी में कुछ है डाउट है, तो टोपोलॉजी क्लियर हो गई। अगली है, पहले बता दे रहा हूं 3D में है, यानी कि 3 डायमेंशनल है, और इमेज ऐसी बनी है, ऐसी आपको दिखेगा टच बीच में, तो इमेज वैसे लगेगा ना एक टच करेंगे, लेकिन जैसे ओवरब्रिज होता है नीचे रोड होता है कुछ वैसा इमेज है, लेकिन ऐसे देखेंगे जब तो कैसा दिखेगा, टच दिख रहा है लेकिन टच है नहीं, वो 3D में, याद रखिएगा उनके बीच गैप है, ठीक है। पहले बता दें, अगली जो टोपोलॉजी आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है, और बहुत फेमस भी है, और रिपीटेड भी है क्वेश्चन उसके एग्जाम वगैरह में, है ना, तो चलिए दिखाएं फिर
अगली जो टोपोलॉजी है वो थ्री डायमेंशनल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अभी भी सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, और सबको मैं पूछूंगा, आप अपने पास से कुछ नहीं बोलेंगे। तो ध्यान से देख लीजिए, ये डाटा मूव कर रहा है। ठीक है, कोलिजन होगा कि नहीं होगा? अभी रुक जाओ, शांति रखो थोड़ा, देख लिए ना। मतलब दो मूवमेंट इसमें दिए गए इस इमेज में। पहले से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इमेज जो है आपकी 3D में है। तो फिर कई बार हम जो आंखों से देखते हैं वो सच नहीं होता है, पता ही होगा। ठीक है, तो फिर वो फिल्मी डायलॉग से उभरिए और बताइए। इसमें सिर्फ वो लोग हाथ उठाएंगे जो लोग कह रहे हैं कोलिजन होगा, हाथ उठाएंगे। हाँ मैं कोई नहीं है, क्या कर रहे हो तुम? उंगली उठा रहे क्या कर रहे हो तुम? लोग समझ ही नहीं पा रहे, क्लियरली हाथ उठाइए। जो लोग कह रहे हैं जिसमें कोलिजन होगा वो हाथ उठाए। देख लीजिए पहले दोनों मूवमेंट देख लीजिएगा, दोनों काउंट होगा, पता है ना मैं बोला था। 1 मिनट देख लीजिए, इस पर टकराव होगा कि नहीं देख लीजिए। देख लिए ना, कोलिजन होगा कि नहीं होगा, हाथ उठाइए। होगा, आप कितने लोग? हाँ चलो, होगा वाला हो गया, ठीक नीचे कर लीजिए। कितने लोग कह रहे नहीं होगा? फुल हाथ उठाए। अब कुछ जिसका हाथ नहीं उठेगा, कसम से कह रहा हूँ क्लास से बाहर कर दूंगा बिना सोचे। ठीक है, आप लोग नहीं होगा वाले हैं, होगा वाले नहीं होगा। तो राइट आंसर जो होगा, नहीं होगा। तो राइट आंसर जो होगा वो, अरे राइट आंसर जो होगा वो नहीं होगा, कोलिजन इसमें नहीं होंगे। सीधी सी बात एक दिमाग में रख लीजिए, अलग अलग रूट दिख रहा है। जब अलग अलग रास्ता होगा टकराने की संभावना रहेंगी, नहीं रहेंगे, सीधी सी बात। अभी जस्ट मैंने बोला कि जहां आपको तो लगेगा टच हो रहा है, समझिएगा उनके बीच में गैप है, यानी कि एक रास्ता जो सेकेंड पॉइंट पे डाउट हो रहा होगा आप लोगों को, सेकेंड पॉइंट में जो मूवमेंट हो रहा है तो वहां आपको डाउट लग रहा होगा कि हाँ टकरा रहा है। पर अगर नोटिस करेंगे, अभी जस्ट मैंने बताया कि रास्ता आपको लग रहा चिपका हुआ है पर उनमें गैप है, क्योंकि ये 3D इमेज है। अभी देखिए डाटा मूव कर रहा है सेकेंड टाइम, तो ये यही लग रहा होगा डाटा टकरा जा रहा है। ये डाटा किस ट्रैक से जा रहा है और एक नीचे वाला ट्रैक जा रहा है, कहीं भी नहीं रखा है। भाई इसमें कुछ भी इमेज लगा होगा तो कैसे करेंगे भाई? उस टाइम पावर पॉइंट में 3D थोड़ी था, अब नए आ गए हैं। तो समझ में आ गई बात ना? तो मेष टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है, मतलब सारी टोपोलॉजी में एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें कोलिजन का पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब इसमें कोलिजन नहीं है मेष टोपोलॉजी में, कोलिजन की। अच्छा एक वर्ड और इसमें यूज किया जाता है, क्या इसमें प्राइवेसी है? प्राइवेसी, गोपनीयता। हाँ कितनों? हाँ बोला है भाई, प्रहार हो गए। हाँ वाले, हाँ वाले अकेला है, दो लोग, तीन लोग, रहने दीजिए। और कितने लोग कह रहे हैं प्राइवेसी नहीं होगी, वो भी हाथ उठाए। सोच सोच उठा रहा है, बस तुम भी उठा दो, हम भी उठा रहे। ये क्या बात है भाई? तो इसमें प्राइवेसी रहेगी, पूछे कैसे रहेगी? अगर आप सोचिए, अगर एक सिस्टम ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ए ई है, और ए यह, अगर ए को कोई मैसेज भेजना है डी को, तो क्या कोई डायरेक्टली रूट है जिससे डी को मैसेज भेज सकता है? तो रूट बना हुआ है, ऑब्वियसली बना हुआ है, और बना हुआ है तो प्राइवेसी है। अगर रूट नहीं होता तो ए बी को पास करता, बी सी को और सी डी को, तब डेस्टिनेशन पे पहुंचता और ए और डी के बीच में बी और सी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता और वहीं प्राइवेसी खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पास आउट करने की जरूरत है क्या? नहीं, यहाँ सीधा सीधा रूट बना हुआ है, अपनी रूट से दे देगा उसको, बात खत्म हो गई। अगर मुझे उसका नंबर है तो मैं डायरेक्टली उसको मैसेज करूंगा ना, मैं तीसरा हुआ को क्यों करने जाऊंगा? वही बात है यहाँ पे, तो वहां प्राइवेसी, यहाँ पे प्राइवेसी है। तो मेष टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें कोलिजन के पॉसिबिलिटीज भी नहीं होते, मतलब तो कोलिजन नहीं होता है और प्राइवेसी बनी रहती है, ऐसा एक लाइन लिख लीजिएगा। यही क्वेश्चन आता है और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। डायग्राम चाहे तो हल्का सा थोड़ा सा पेन से ऐसे अपना गोज गाज लेंगे, जो भी करेंगे। क्या हुआ? हाँ डायग्राम, क्योंकि डायग्राम आता है कभी कभी, हल्का सा बना लीजिएगा आप लोग, खतरनाक वाला बना लीजिए आप लोग।
हाँ और लिख लीजिएगा कि मेस टोपोलॉजी, सिर्फ यही लिखना है और कुछ नहीं, इसमें कोई कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये लिखेंगे कि मेस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें कोलिजन नहीं होते हैं और प्राइवेसी बनी रहती है, बस ऐसा लिखना है। उसके बारे में मैं बार बार मना कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही कि मेस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें कोलिजन के चांसेस नहीं होते हैं और प्राइवेसी क्या होती है। अच्छा, मेस टोपोलॉजी से ही मिलता जुलता एक और टोपोलॉजी है जिसका नाम रिंग टोपोलॉजी। क्या नाम है? रिंग है। उसमें आपको दो चीजें बनानी है, बतानी है आपको कि कोलिजन के चांसेस बनेंगे और प्राइवेसी रहेगी कि नहीं रहेगी, दो चीजें बतानी है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगली टोपोलॉजी जिसका नाम है रिंग टोपोलॉजी, और ये बिल्कुल मेस से मिलता जुलता है, तो ध्यान से देख के बताइएगा उसमें प्राइवेसी रहेगी कि नहीं रहेगी और कोलिजन के चांसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये रहा। ये कहाँ के लिए हो गया? देखिए मेस से बिल्कुल मिलता जुलता है, इसका नाम क्या है? रिंग टोपोलॉजी है। तब बताइए इसमें चांसेस कोलिजन के होंगे कि नहीं होंगे? हाँ हाँ या ना, हाँ क्योंकि डाटा जो फ्लोट कर रहे हैं वो कभी स्लो और फास्ट हो सकते हैं, तो चांसेस अच्छा प्राइवेसी रहेगी यहाँ पे। हाँ प्राइवेसी वाले तो आप लोग ऑलरेडी हैं, लगा लगा के बैठे हो, तो ठीक है यहाँ प्राइवेसी नहीं रहेगी। बिकॉज कि अगर इसमें सिस्टम जो है, सॉरी इसी से बता देते हैं ना, अगर इसमें जो सिस्टम ए है मान लीजिए और ये आपका बी सी और डी है, अगर ए डी को कोई मैसेज भेजना चाहे तो डायरेक्टली कोई पाथ नहीं है, पाथ का मतलब रास्ता है, कोई रूट नहीं है, सामने देखिए कोई पाथ नहीं है, कोई रूट नहीं है कि ए डायरेक्टली डी को कोई मैसेज कर पाए, तो ए करेगा क्या? ए बी को पास करेगा, बी सी को पास करेगा और सी डी को पास करेगा, तब जाके मैसेज डिलीवर होगा किसके पास? डी के पास। और ए और डी के बीच में कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया और यही प्राइवेसी क्या हो गई? खत्म हो गई। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या रहेंगे? हाँ इसमें भी पॉइंट टू पॉइंट की बात आती है, तो आप लोग नोट जरूर करेंगे, ये जितनी भी लाइनें लिखी हुई है ये लाइनें नोट कर लेंगे, हेडिंग हो जाए रिंग टोपोलॉजी और लाइनें, ये डिवाइसेस है डायरेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन, ये लाइन कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है। मैसेज विल पास बी इस डिवाइसेस अनटिल इट रीच द डेस्टिनेशन, इसका मतलब ये है कि मैसेज तब तक पास किया जाता है जब तक, तब तक या जब तक, अनटिल का मतलब होता है जब तक वो डेस्टिनेशन यानी अपने गंतव्य तक ना पहुंच जाए। डेस्टिनेशन का मतलब जानते ही होंगे, ट्रेन चलती है तो दो बातें होती है, अराइवल डिपार्चर का और डेस्टिनेशन, कहाँ से डिपार्चर की यानी कहाँ से चली और कहाँ पहुंचेगी यानी गंतव्य। हो गया रिंग टोपोलॉजी, और जो आपकी आखिरी जो टोपोलॉजी कितने हो गए? चार हो गए ना। अब जो आखिरी है आपकी वो है ट्री टोपोलॉजी। क्या नाम है उसका? ट्री टोपोलॉजी। उसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि उसमें कोलिजन के चांसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इमेज को बहुत ध्यान से देखेंगे और जवाब सिर्फ हाँ या ना में देंगे। चलिए हाँ देखिएगा और बताइएगा उसमें कोलिजन के चांसेस बनेंगे या नहीं नहीं बनेंगे। बनेंगे। वेरी गुड। सब लोग नहीं वाले हैं कि कोई हाँ भी बोलेगा? वे हाँ वाले हैं एक, और कोई हाँ वाले हैं? दो लोग हाँ वाले, अच्छा निकल रहे हैं एक, और कोई हाँ वाले? आप ही हैं। और बाकी लोग तो बस ठीक है, मैं भी एग्री हूँ हाँ वालों से कि चांसेस हैं बन सकते हैं, मैं जस्ट बताया हूँ, थोड़े थोड़े सा मिस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो लेके दौड़ना पड़ेगा फिर। देखिए इस चांसेस पे बनेंगे पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ डाटा दो डाटा एक साथ मूव कर रही है, तो यहाँ चांसेस बने। अब चूंकि रूटर जो है जिसे स्विच का भी नाम लोग यूज करते हैं वो अलग अलग रास्ता दे रहा है, यानी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन मैंने अभी जस्ट बात किया कि अगर कोई एक कॉन्फ़िगरेशन में हाँ और ना दोनों की बात की जा रही है ऐसा हो नहीं सकता, अगर कमी है तो फिर वो डॉट डॉट डॉट, नहीं है तो नहीं है, फिर इसी बात। तो इस पॉइंट पे चांसेस बन रहे हैं, और इसका नाम क्या है?
जी टोपोलॉजी है, लास्ट टोपोलॉजी आपकी। डायग्राम हल्का सा जरूर बनाते रहेंगे ताकि आपको आइडिया मिले, क्योंकि इमेजेस आते हैं कई बार, तो इसके बारे में लिख लीजिए और आपका टोपोलॉजी खत्म। कल से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, ठीक है? कोई दिक्कत? तो नेटवर्क और टोपोलॉजी समझ में आई? ऐसे डाटा मूव करते हैं सोचिए, और इन्हीं के माध्यम से हम काम करते हैं सारे नेटवर्किंग का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। दिखा